Hello students, I'm Shazli and I welcome you all to the literary analysis of editorials. You will be all amazed to see today's editorials because there is going to be good learning in today's session. You are going to learn so many new words, a few phrases, and of course one foreign phrase as well. So let's continue with the editorial. I'm actually quite excited to take this. Now, rapid rundown. Ek पैसेज था, एक एडिटोरियल था अराउंड माउंटेन्स ऑफ प्लास्टिक्स विच आर चोकिंग हिमालयन साइट्स. सो द एंटायर एडिटोरियल वॉज अराउंड एनवायरमेंटल साइंस. जॉनरा इज एनवायरमेंटल साइंस. फैक्ट्स एंड स्टेटिस्टिक्स करके एक उन्होंने एडिटोरियल दिया था, दैट इज अराउंड इकोनॉमिक्स. अ लॉन्ग रोड टू रिफॉर्मिंग इंडियाज पॉलिटिकल सिस्टम इज अराउंड इंडियन पॉलिटी एंड ब्लडी थर्सडे. ये एक बहुत अच्छा एडिटोरियल था विच वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड दैट इज अराउंड जियो पॉलिटिक्स. चलिए देखते हैं. सो देर आर से कंटेक्सुअल वोकैबलरी, फिर फ्रेजेज एंड इडियम्स अराउंड 21. मतलब आज हमारा जो टेक अवे रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 21 वोकैबलरी. अब उसमें फ्रेज भी हो सकते हैं, इडियम्स भी हो सकती हैं एंड कंटेक्सचुअल वोकैबुलरी भी हो सकती है. सो 21 इज द टारगेट फॉर टुडे. लेट्स सी इफ वी आर गोइंग टू अचीव इट. माउंटेन्स ऑफ प्लास्टिक्स आर चोकिंग द हिमालयन स्टेट्स. इसमें एक वर्ड था यूबिक्विटस. यूबिक्विटस का एग्जैक्टली मीनिंग होता है प्रेजेंट, अपियरिंग एंड फाउंड एवरीवेयर. आई थिंक हिज यूबिक्विटस इन्फ्लुएंस वॉज फेल्ट बाय ऑल द फैमिली. Ubiquitous, that means omnipresent. The problem is ubiquitous, that is the problem is prevalent everywhere. I think this disease COVID-19 is ubiquitous, it's present everywhere. A particular feeling, like a feeling of hatred among the people in the name of religion, in the name of caste, in the name of gender. It's actually like that hatred is still there. So the problem related to disparity is existing and the problem is ubiquitous. That means it is prevalent everywhere. Ubiquitous, his ubiquitous influence, matlab omnipresent influence was felt by all family. Okay. God is ubiquitous, omnipresent. नेक्स्ट देखिए, द माउंटेन्स ऑफ प्लास्टिक्स आर चोकिंग द हिमालयन स्टेट. इसमें एक और वर्ड यूज करा था, दैट इज ट्रेंच. ट्रेंच का मतलब होता है अ लॉन्ग कट इन द ग्राउंड. एक मूवी आई थी बच्चा बॉर्डर, आपने देखा होगा उसके मूवी के कुछ सीन्स जहां पे सोल्जर्स जो है एक काफी बड़ा ट्रेंच है, एक बड़ा सारा एक आपने देखा होगा डिच है, जिसे आप कह सकते हैं एक लंबा सारा लैंड का एक पार्ट है जिसको उन्होंने काफी ज्यादा उसको डिग करके उसको गहरा करा है. एंड दे कीप सिटिंग देयर एंड दे कीप शूटिंग देयर एनिमीज. तो वो जो सिटिंग होती है जस्ट टू दैट दैट एक्ट्स एज अ नेचुरल डिफेंस. ऑलराइट, बॉर्डर्स पे आपको इस तरह के ट्रेंचेस बहुत सारे मिलेंगे. सो दैट इज ट्रेंच. अ पोजिशन, अ प्लेस और लेवल एट विच एन एक्टिविटी इज कैरीड, दैट इज ट्रेंच वॉरफेयर. ओके, ऑफन यूज एज अ फ्रेज, जैसे एक्टिविस्ट वर्किंग इन ट्रेंचेस, गड्ढे में रह के कुछ कुछ काम कर रहे हैं. ऑल राइट, तो दैट इज ट्रेंचेस. अ लॉन्ग नैरो यूजुअली स्टीप साइडेड डिप्रेशन इन द ट्रेंचेस आपको ओशन में भी देखने के लिए मिलेंगे. ओशन में अनइवन सरफेस होता है, ये तो पता होगा. ऐसा नहीं है कि पूरा इवन आपका इवन सरफेस होता है. जैसे ओशन के अंदर आप लोग स्क्यूबा डाइविंग वगैरह करने जाते हो, आपने देखा होगा कि स्क्यूबा डाइविंग जहां पे एकदम से फ्लैट सरफेस होता है अंदर वॉटर में, पीपल गो एंड डू स्क्यूबा डाइविंग एंड ऑल सच रिलेटेड फन एक्टिविटीज, स्पोर्ट एक्टिविटीज. फिर कभी कभी एकदम से डीप होल आता है और डीप भी आ सकता है, दैट डिपेंड्स. ओके, तो आपने ओशन में अगर देखें ऐसे आपका सरफेस चल रहा है कई किलोमीटर, फिर एकदम से डीप हुआ और हो सकता है और डीप हो जाए, डिपेंड ऐसे हो सकता है. तो इस तरह का जो अनइवन सरफेस आपको ओशन में मिलेगा, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी ट्रेंच. ओके, ट्रेंच. नाउ ट्रेंच कैन ऑल्सो बी यूज फिगरेटिवली, लाइक अप्स एंड डाउन आते हैं ना आपकी लाइफ में. हिज लाइफ इज फुल ऑफ ट्रेंचेस. ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, एक्सरसर्बेशन. एक्सरसर्बेशन का एग्जैक्टली मीनिंग होता है टू मेक सिचुएशन वर्सन, दैट इज एक्सरसर्बेशन. द लैक ऑफ
स्ट्रेस रिडक्शन स्किल्स कैन लीड टू द एक्सेसरबेशन ऑफ, मतलब आपके पास स्ट्रेस रिडक्शन स्किल नहीं हो सो इट कैन एक्चुअली वर्सन द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम. ओके, एक्सेसरबेट, डोंट एक्सेसरबेट द करंट क्रिटिकल कंडीशन, मतलब डोंट वर्सन द करंट क्रिटिकल कंडीशन, दैट इज एक्सेसरबेट. नाउ नेक्स्ट देखिए, एन एक्यूट इंक्रीज इन द सीवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम, इलनेस और बैड सिचुएशन. एक्यूट इंक्रीज अगर किसी चीज में हो तो ही वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल वंस लास्ट ईयर फॉर एन एक्सेसरबेशन ऑफ अस्थमा. ओके, तो यहां पे आप याद कर सकते हो ही वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल. ओके, कोई बंदा हॉस्पिटल में एडमिट है बिकॉज उसकी जो अस्थमा की सिचुएशन थी वो वर्सन हो गई थी. ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, लिटर. लिटर का मतलब होता है टू पुट और टू लिटर द गार्बेज एवरीवेयर, टू स्प्रेड द गार्बेज एवरीवेयर. आई हैव नोटिस दैट हर डेस्क इज ऑलवेज लिटर्ड. ऑल राइट, गंदी पड़ी रहती है उसकी डेस्क, कहीं पर भी टिश्यू पेपर्स पड़े हुए हैं, यू कैन नोटिस दिस. ओके, दिस सो दैट इज ऑल अबाउट आपका क्या हो सकता है. आई हैव नोटिस अ लॉट ऑफ लिटर ऑन हर डेस्क, क्लोथ्स एंड न्यूज पेपर्स लिटर्ड ऑन द फ्लोर, जमीन पे पड़े हुए हैं. सम थीफ मस्ट हैव अराइव्ड. आई कुड नोटिस अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल आइटम्स. All right, they were littered on the floor. Somebody must have walked in. Okay? Litter. Don't litter the clean city. Stop littering around. Stop spreading dust everywhere or stop littering garbage everywhere. Rubbish everywhere. Rubbish hota hai na bachcha? आपने पेपर फाड़ा, आपने बोर्ड बनाई, उसकी कटिंग करी और आपने इधर उधर पटक दिया. सो स्टॉप स्प्रेडिंग रबिश एवरीवेयर, स्टॉप लिटरिंग. मिनेस, मिनेस बच्चा एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं आप एंड एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं. मिनेस नाउन एंड वर्ब दोनों तरीके से होता है. नाउन का मतलब होता है एनीथिंग और एनीबडी पोजिंग एज अ थ्रेट और इज बींग पोज्ड एज अ थ्रेट, तो उसको भी आप मिनेस कह सकते हैं. द इलीगल सप्लाई ऑफ ड्रग इज अ मिनेस टू द सोसाइटी, इज अ मिनेस टू द सोसाइटी. ऑल राइट, मतलब एक तरह का थ्रेट है, एक तरह का डेंजर है टू द सोसाइटी. पेरिल्स, वॉट आर द वेरियस मिनेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, what are the perils of war, we have witnessed n number of menaces because of the world wars. All right, we have witnessed the perils of attack on Hiroshima Nagasaki. Okay, now war as a threat or possible danger to menacing. I think the situation is like Palestine refused to give a piece of land to Israel is menacing the current situation in Israel or Palestine. Africa's elephant are still menaced by, matlab they are being threatened by poaching. Okay? Iske synonyms can be threaten, be a danger to something, put a risk, put at risk, jeopardize, imperils, whatsoever. Ab dekhiye students, next, mountains of plastics are choking again, ek word tha segregation, set apart from the rest of each other, matlab alag alag karna. We have seen so many segregated schools like boys schools, girls schools. I don't believe in segregated education. I believe in co-education, that children should study together so that they feel comfortable with different, like, you know, like the opposite gender. Normally people don't feel that kind of comfort when they study in a segregated school. So in order to have holistic development of a child, it's necessary that they should study in
co-ed schools rather than in segregated schools. Apprehensions about the groups segregated from the rest of the society can be one of the examples. अब देखिए लीचेट, लीचिंग होती है ना एक प्रोसेस स्टूडेंट, उसी को लीचेट कहा जाता है, दैट इज अ नाउन. जब वाटर आपका किसी चीज से बाहर आए एंड उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे मिनरल्स वगैरह भी बाहर आ जाए. फॉर एग्जाम्पल आपने पॉट, मतलब आपके घर में अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग और आपने बहुत सारे वहां पे पॉट्स लगा के रखे हुए प्लांट्स के लिए रखे आपने, जब आप वाटर करते हो तो कुछ प्लांट्स में कम पानी चाहिए होता है, कुछ में ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा अगर आप पानी डाल देते हो तो दैट वाटर ऊजेज आउट और उसके साथ उसके जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स वगैरह होते हैं ना वो भी बाहर आ जाते हैं, तो दैट इज अ लीचिंग प्रोसेस. अब नेक्स्ट देखिए फ्रेजाइलिटी. वी ऑल्सो प्रोनाउंस दिस वर्ड एज फ्रेजिलिटी. ओके, तो फ्रेजिलिटी बेसिकली इज वॉट द क्वालिटी ऑफ बींग इजिली ब्रोकन. इफ समथिंग इज फ्रेजाइल दैट मीन्स समथिंग कैन इजिली बी ब्रोकन. जैसे ऑस्टियोपोरोसिस एक डिजीज होती है जिसमें आपकी जो बोन्स होती हैं दे आर मोर प्रोन टू बी ब्रोकन. ऑल राइट, फ्रेजाइल हो जाती हैं, डेलिकेट हो जाती हैं. इसके सिनोनिम्स कैन बी फ्रेल्टी एंड फ्लिम्सीनेस. जैसे आप कहते हो ना आपका लेम एक्सक्यूज होता है जिसपे पीपल डोंट ट्रस्ट. ओके, तो फ्रेजाइल वीक जिसे कहते हैं, फ्रेजाइल एक्सक्यूज और फ्लिम्सी एक्सक्यूज. ओके, फ्रेजिलिटी इज समथिंग. All right, the quality of being broken or damaged easily. I think you need to handle with care with these pots because they are fragile. Okay, now next dekhiye. Cyanicquinone. Cyanicquinone. Iska pronunciation. Ye kya hai? This is a foreign phrase. Cyanicquinone. Dekhiye isme. Something which is absolutely indispensable or essential, उसे आप कहते हैं cyanicquinone. Reliability is a cyanicquinone for success. मतलब something which is important, cyanicquinone, without which nothing is possible. Okay, cyanicquinone for success. मतलब it's extremely crucial for success. I think trust is one thing which is sine qua non between the two partners. Trust. Okay. Now next dekhiye students. Philanthropic. Philanthropic is a person or organization jo ki bahut zyada human welfare ke bare mein baat karti hai, sochti hai. For example, Azim Premji ke bare mein aapne suna hoga. Unki Azim Premji foundations hain bahut sari. And they keep working for the welfare of people and society. What is so appealing in Azim Premji is, you know, like unke bahut sari educational institutions bhi hain jahan pe wo un logon ko zyada chance dete hain jinme real talent ho, like unko scholarships wagera milti hain. So anybody who is not rich enough but want to study harder, ऑल राइट, तो उनको वहां पे एडमिशन इजिली मिल जाता है. बट इफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकेडमिक क्वालिफिकेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट्स, दे गेट एडमिशन. सो अजीम प्रेमजी इज द ट्रू फिलेंथ्रोपिस्ट. फिलेंथ्रोपिक इज अ पर्सन. देयर इज ए फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर फिलेंथ्रोपिक बॉडीज, चैरिटेबल एंड जेनरस. यहाँ लाइक द सिटी आई लिव इन, दैट्स भोपाल, यहाँ पे एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड बाय सिख कम्युनिटी, प्रेंडा करके ऑर्गेनाइजेशन है. एंड व्हाट डू दे डू, ये जितने भी आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट्स होते हैं तो पेशेंट्स के लिए वो दूध के पैकेट्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, साथ में जो उनके साथ रहते हैं लोग. ऑल राइट, इफ समबडी, क्योंकि ज्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आसपास के छोटे मोटे गांवों से लोग काफी आते हैं. सो यू नो लाइक दे डोंट हैव दैट मच ऑफ फंड्स टू हैव देयर डेली ब्रेड एंड बटर. सो ये जो प्रेरणा है, दे गिव टोकन्स कि आपको खाना चाहिए और जितने टोकन उनके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो उतनी खिचड़ी, दाल चावल, छोला चावल, पूरी, छोले, कुछ इस तरह का बना के सब्जी देते हैं लोगों को सप्लाई. और वो क्या करते हैं कि आप कूपन लेके आ जाना, या तो डायरेक्टली जो उनका एक एक पर्टिकुलर प्लेस है वहां पर जो हॉस्पिटल प्रीमिसेस के अंदर ही है, या फिर वो खुद आके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रेरणा ऑर्गेनाइजेशन. सो दे आर
कमिंग अप विद अ वेरी फिलेंथ्रॉपिक मिशन. फिलेंथ्रॉपिक ही तो हुआ बिकॉज दे आर एक्चुअली डूइंग यू नो लाइक चैरिटेबल एक्टिविटीज फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर पीपल. नाउ नेक्स्ट इज रेजुविनेशन. रेजुविनेशन होता है द एक्शन ऑफ और प्रोसेस ऑफ गिविंग अ न्यू एनर्जी और विगर टू समथिंग, दैट इज रेजुविनेशन. प्लान्स फॉर द रेजुविनेशन ऑफ एरिया, रेजुविनेशन होता है. ऑल राइट, वाई डोंट यू टेक सम लीव्स टू रेजुविनेट योर सेल्फ, मतलब यू शुड रिस्टोर योर एनर्जी, यू शुड कम एंड ज्वाइन अस विथ अटमोस्ट विगर. सो दैट इज ऑल्सो रेजुविनेशन, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ गिविंग न्यू एनर्जी और विगर टू समथिंग, दैट इज रेजुविनेशन. द रेस्टोरेशन ऑफ अ यूथफुल अपियरेंस टू समथिंग, अगैन यहाँ पे आपने रिस्टोर करा यूथफुल अपियरेंस, रेजुविनेट. एक्सपर्ट सेज और सॉरी एक्सपर्ट्स इन द आर्ट ऑफ फेशियल रेजुविनेशन, क्या आप दोबारा से यंग दिखने लगे. ऑल राइट, आई थिंक यू शुड टेक दिस फेशियल. ऑल राइट, दिस विल रेजुविनेट योर स्किन, आप वापस से यंग लगने लगोगे. ओके, लाइक मी. ओके, सो आई ऑल्सो डू फेशियल वंस आई थिंक इन 2 months जस्ट टू रेजुविनेट माई स्किन. ओके, रेजुविनेशन. नाउ नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग रिवर और स्ट्रीम टू अ कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ यंगर लैंडस्केप, दे वर इंस्ट्रूमेंटल इन द रेजुविनेशन ऑफ द रिवर. ओके, अब देखिए नेक्स्ट. सो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया था ओवरऑल पैसेज के अंदर, कि हिमालय में आपको बहुत सारे प्लास्टिक मिलेगा, हिमालयन माउंटेन्स के अराउंड, मतलब वहां पर भी प्लास्टिक बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स हो रहे हैं. तो आपको वहां पे लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना चाहिए एंड नेसेसरी स्टेप्स लेना चाहिए एंड उस एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, सो दैट आपके जो हिमालयन माउंटेन है इट शुड नॉट गेट अफेक्टेड बाय प्लास्टिक डिपॉजिट्स. ओके, एंड दिस नीड इमीडिएट अटेंशन. तो उसके अराउंड पूरा पैसेज था स्टूडेंट्स. आई रियली अप्रिशिएट इफ यू ऑल कैन आइडेंटिफाई द करेक्ट टोन अराउंड द टॉपिक. कम ऑन. वेल, करेक्ट आंसर इज कंसर्न, बिकॉज ऑथर वॉज कंसर्न कि हिमालयन माउंटेन्स के अराउंड जो आपके प्लास्टिक डिपॉजिट्स हैं दे आर एक्चुअली मेकिंग द एनवायरमेंटल कंडीशन पुअर. सो ओवरऑल ऑथर वॉज वरिड, ऑथर वॉज कंसर्न अबाउट हिमालयन माउंटेन एंड ही इज एक्चुअली ड्रॉइंग आर अटेंशन टुवर्ड्स द मेन प्रॉब्लम. ही हैज शोन इज कंसर्न दैट दिस कॉल्स फॉर इमीडिएट अटेंशन, सो दैट इज गोइंग टू बी कंसर्न. वाई नॉट डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहां पे एक पर्टिकुलर सिचुएशन को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करा गया है. पेंसिव इज अ फूड फॉर थॉट, ऑब्वियसली नॉट द करेक्ट आंसर. थॉटफुल को कहा जाता है पेंसिव. आर्गुमेंटेटिव भी नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि ऑथर हैज नॉट पोज्ड सर्टेन स्टैंड और उसको सपोर्ट करने के लिए पॉइंट ऑफ जस्टिफिकेशन के साथ ऑथर ने बात करी है. ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंटेटिव इज नॉट द करेक्ट टोन हियर. नाउ नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, फैक्ट्स एंड स्टेटिस्टिक्स. स्क्रूटनी, एक नया वर्ड हमने सीखा है बच्चा इसके अंदर. स्क्रूटनी, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन एंड और एग्जामिनेशन. कुछ चीज अंडर स्क्रूटनी होती है, मतलब अंडर केयरफुल एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, पेरूजल, दीज आर द सिनोनिम्स. द पुलिस कैम अंडर स्क्रूटनी लास्ट मंथ. ऑल राइट, तो यहाँ पे आपने स्क्रूटनी यूज करा. हर कंडीशन, हर परफॉर्मेंस इज अंडर स्क्रूटनी, मतलब पीपल आर ऑब्जर्विंग हर परफॉर्मेंस माइन्यूटली. गेज का मतलब होता है किसी चीज को मेजर करना या कैलकुलेट करना, एस्टिमेट करना या डिटरमाइन द अमाउंट, लेवल और वॉल्यूम ऑफ अ प्रॉब्लम. व्हाई डोंट यू गेज द प्रॉब्लम? एस्ट्रोनॉमर्स कैन गेज द स्टार्स इंट्रिंसिक ब्राइटनेस. ओके, गेज कैलकुलेट एस्टिमेट कर सकते हैं, दे कैन एक्चुअली डिटरमिन. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज सर्ज. अ स्ट्रॉन्ग रश और स्वीप, सडन इंक्रीज, अ सर्ज ऑफ एंगर, गश, आउटपोरिंग, फ्लो. ऑल राइट, दैट इज सर्ज. स्वीप, दैट इज सर्ज.
अब देखिए एग्जाम्पल आप यहां पे द रोलिंग स्वेल ऑफ द सी स्पेशली आफ्टर द पासेज ऑफ द लार्ज वेव सर्ज। अब नेक्स्ट देखिए इसकी समरी क्या थी। पहले तो अपन पैसेज देख लेते हैं, फैक्ट्स एंड स्टेटिस्टिक्स। यहां पे बात हो रही है बच्चा जीडीपी का जो नंबर है, ऑल राइट right, वो काफी अच्छा यहां पे प्रेडिक्ट करा गया है, दैट इज 8.4। लेकिन प्रॉब्लम इज कि आप पहले एस्टिमेट कर रहे थे समवेयर अराउंड यू नो लाइक 5-6, अब आपने प्रेडिक्ट करा 7, और आप अचानक से सरप्राइजिंगली आ गए हो कि अभी जो नया एस्टिमेट आया है उसमें 8.4 आपका जीडीपी है। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि यू शुड नॉट बी सो हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि इन्होंने जो मेजरमेंट जो क्राइटेरिया थे वो ही चेंज कर दिए। तो जब पहले हमारा जीडीपी आता था समवेयर अराउंड 4-5-6, उन वो जो क्राइटेरिया थे, हमारे अब के जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो गए। तो हो सकता है कि ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई हो, यहाँ पे कोई फ्लॉ हो, क्राइटेरिया चेंज हुए हैं, तो हमारी कंडीशन तो इम्प्रूव नहीं हुई है क्योंकि आपने मेजरमेंट के क्राइटेरिया ही चेंज कर दिए हैं, तो आपने वो ग्रोथ शो करी, जबकि ट्रू सेंस में हो सकता है कि वो ग्रोथ नहीं हुई हो। पैसेज पे इसी के अराउंड उन्होंने यहाँ पर बात करी है, और ऑथर ने उस चीज के बारे में बार बार बात करी है कि हमारी जो रियल प्रोडक्टिव सेक्टर्स इकोनॉमी है वो उसने जो शो करा है अपना ग्रोथ, ऑल राइट दैट्स क्वाइट डूबियस, क्योंकि उतना ज्यादा हमारी हमारे यहाँ अभी भी प्रॉब्लम्स तो परसिस्ट कर रही हैं। जिस तरह का जीडीपी आया है वो गलत हो सकता है, और बट देयर मस्ट बी अ सोबर एनालिसिस ऑफ रियल स्टेट ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने कहा कि आपको दोबारा से यू कैन नॉट चेंज द क्राइटेरिया, आपने इसका मतलब जो पुराने क्राइटेरिया थे जिसपे जीडीपी मेजर होती थी, हो सकता है कि वो सही हो, अगर नहीं है तो, अगर पुराने क्राइटेरिया आपके सही नहीं थे तो आप लोग अभी तक अंधेरे में रह रहे थे। तो मतलब कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ तो डाउटफुल सिचुएशन है। ओके एंड ऑथर ने यहाँ पे बार बार उसको रीइटरेट करा है कि वी नीड टू वर्क ऑन इट, वी नीड टू एनालाइज द सिचुएशन विथ केयरफुल अटेंशन। तो उसी के अराउंड आपका पूरा एडिटोरियल था। द जीडीपी नंबर्स ब्रिंग चीयर इन इलेक्शंस बट नीड मोर स्क्रूटिनी। अब बताइए व्हाट कुड बी द करेक्ट टोन। कम ऑन स्टूडेंट्स, वेल द करेक्ट टोन इज एनालिटिकल, क्योंकि डेटा को उन्होंने एग्जामिन करा है, ऑथर ने दोनों तरफ की बातें करी हैं, पुराने मेजरमेंट्स के बारे में, पुराने जीडीपी को भी मेंशन करा है, साथ में करंट जो स्टेटस है हमारा उसको भी उन्होंने। सो ओवरऑल द टोन वाज एनालिटिकल बिकॉज इट नीड्स केयरफुल अटेंशन। ऑथर हैज कम अप विद अ सॉल्यूशन यू नो लाइक अ सजेशन। पेंसिव इज थॉटफुल, इट्स नॉट गिविंग अस फूड फॉर थॉट, इट्स मोर और लेस लाइक स्क्रूटिनाइजिंग द ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ऑब्जेक्टिव होता है बच्चा फैक्चुअल, सो इट्स नॉट इवन ऑल फैक्चुअल बिकॉज ऑथर ने अपना व्यू पॉइंट भी यहाँ पे अपना जजमेंट शेयर करा है। इट नीड्स स्क्रूटिनी, बायस्ड भी नहीं हो सकती टोन, बायस तो दिख ही नहीं रहा था यहाँ पे। ओके नाउ नेक्स्ट देखिए, अ लॉन्ग रोड टू रिफॉर्म इंडिया पॉलिटिकल पार्टी पार्टी सिस्टम। यहाँ पे डिफेक्शन जो एक आया है आपका उसके अराउंड उन्होंने यहाँ पे बात करी है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करी है बच्चा, उसमें जो फ्लॉ है उसके बारे में बात करी है। डिफेक्शन क्या होता है, कॉन्शियस अबेंडनमेंट ऑफ एलिजियंस और ड्यूटी, ऑल राइट, जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो रहा है बच्चा, अभी हिमाचल प्रदेश में भी हुआ है, इससे पहले उन्होंने बताया था बच्चा आपका महाराष्ट्र में भी काफी टाइम हुआ है, और मध्य प्रदेश में भी हुआ था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने काफी सारे एमएलए के साथ रिजाइन करा था फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। तो अभी यहाँ पे भोपाल में एमपी में कांग्रेस पार्टी आई थी बच्चा लास्ट टाइम, और 1 महीने तक तो सीएम रहे आपके कमलनाथ जी, बट उसके बाद वहां पे कौन आ गया, वापस से आपके मिस्टर शिवराज सिंह चौहान आ गए वापस से। ओके और इन्होंने यहाँ पे एक और चीज बोली है बच्चा कि यहाँ पे ज्योतिरादित्य ने पूरी गेम चेंज कर दी थी, क्योंकि कांग्रेस जो मेजोरिटी में थी वो वहां से क्यों हटी, क्योंकि डिफेक्शन हुआ वहां पे उन्होंने बहुत सारे एमएलए के साथ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है,
कि आप पार्टीज को एथिकली नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि लोग आपको ट्रस्ट करके आपको वोट देते हैं, आपकी पार्टी पे ट्रस्ट करके वोट देते हैं, और फिर आपने उनको धोखा दिया और दूसरी पार्टी में चले गए। तो एंटी डिफेक्शन लॉ था, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ में एक एक्सेप्शन भी है कि अगर मेजोरिटी ऑफ द पीपल रिजाइन तो फिर वो उसको कंसिडर करते हैं। तो उसकी वजह से भी हमें लगता है कि ये लॉ को भी रिफॉर्म होना चाहिए, एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि आजकल मेजोरिटी में लोग, जैसे अभी नीतीश कुमार का बिहार में हुआ, उन्होंने बहुत सारे उनके साथ जो अलायंसेस में थे उन सब ने रिजाइन करा, ओके, और उन्होंने ज्वाइन कर ली बीजेपी को। तो ऐसे ही कई जगह आ रहा है। अब कमलनाथ जी का भी बीच में सुनने में आ रहा था कि वो भी कहाँ जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, ओके। तो वो होता है आपका डिफेक्शन, डिफेक्शन जानबूझ के आपने आप अपनी ड्यूटीज को छोड़ा, अपनी पार्टी को छोड़ा, दैट इज डिफेक्शन। ट्रांसग्रेशन क्या होता है? द एक्ट दैट गोज अगेंस्ट द लॉ, ट्रांसग्रेशन होता है वो। आई विल बी कीपिंग एन आई आउट फॉर फर्दर ट्रांसग्रेशन, एक तरह से आप जो क्राइम होता है अगेंस्ट लॉ, दैट इज ट्रांसग्रेशन। ऑफेंस, क्राइम, सिन विल बी द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड ट्रांसग्रेशन, ओके। सो डिफेक्शन इज कंसिडर्ड टू बी ट्रांसग्रेशन, अ क्राइम। नाउ डिसेंट कौन होते हैं? दोज हु अपोज होल्डिंग और एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन एट वेरियंस, मतलब ओपोजिशन की तरह। देयर वॉज नो डिसेंट फ्रॉम दिस, फॉर दिस व्यू, मतलब इस व्यू पे कोई भी अपोजिशन नहीं थे, अपोज करने वाले लोग नहीं थे। ऑल राइट, डिसेंट क्या होगा यहाँ पे? डिसेंट बेसिकली अपोज होता है। नाउ नेक्स्ट, रोबस्ट। रोबस्ट होता है हेल्दी, हेल्दी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग रोबस्ट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ही लुक्स रोबस्ट एंड हेल्दी। रोबस्ट बेसिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी को कहा जाता है। सो फॉर इन ऑर्डर टू हैव स्ट्रॉन्ग रोबस्ट पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटी डिफेक्शन लॉ शुड ऑल्सो बी चेंज्ड, ओके। अब देखिए एक और वर्ड यहाँ पे है, दैट्स एन इडियम, सी द लाइट ऑफ द डे, मतलब होता है बी बॉर्न, बिगिन टू एग्जिस्ट, टेकिंग बर्थ। दिस सॉफ्टवेयर फर्स्ट सॉ द लाइट ऑफ द डे बैक इन 1993, मतलब ये जो पहला सॉफ्टवेयर था, इट वॉज क्रिएटेड, इट एग्जिस्टेड इन 1993, ओके। एनी थिंग दैट सॉ द लाइट ऑफ द डे, ऑल राइट, दिस सॉफ्टवेयर फर्स्ट सॉ द लाइट ऑफ द डे, फर्स्ट क्रिएटेड इन 1993, ओके। सो दैट्स एन इडियम। इसकी समरी क्या होगी? रीसेंट पॉलिटिकल इवेंट्स मेक नो वन डाउट द परसीव नीड एंड यूटिलिटीज ऑफ इंडियाज एंटी डिफेक्शन लॉ। लोगों ने कहा है कि यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ तो होना ही चाहिए, कंसिडरिंग टूडेज पॉलिटिकल सिस्टम, जहां पे एक मेंबर दूसरी पार्टी में दूसरे, यहाँ पे क्रॉस वोटिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है। आपको वोट क्या होता है बच्चा? सब एक्सपेक्ट करते हैं कि कांग्रेस है, बीजेपी है, तो बीजेपी वाले बीजेपी को वोट देंगे, कांग्रेस वाले कांग्रेस को वोट देंगे, मतलब एमएलए की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो, एमएलए कांग्रेस के हैं लेकिन वोट दे रहे हैं बीजेपी को, या बीजेपी के एमएलए कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, तो वो क्रॉस वोटिंग भी कहलाती है, जिसपे रेगुलेशन है बाय एंटी डिफेक्शन लॉ। ये भी इन्होंने कहा कि देयर इज अ नीड ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ एंड देयर हैज टू बी सम चेंजेस एज वेल, ओके। अब देखिए, आइडेंटिफाई द टोन, कम ऑन, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर चॉइस इज क्रिटिकल। आउटरेज होता है एंग्री, तो मुझे यहां पे कोई एंग्री टोन तो लगी नहीं। विनमस होता है पॉइजनस, वेनम से याद करा था, हार्श, पॉइजनस, हार्श, बिटर, बिल्कुल नहीं होगी बच्चा। सरकास्टिक भी नहीं होगा, सरकास्टिक इज डिमीनिंग और ह्यूमिलिएटिंग। यहाँ पे क्रिटिकल टोन है कि जो प्रेजेंट आपकी कंडीशन है, द सिस्टम नीड्स टू बी चेंज, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को चेंज आना चाहिए, सो दैट ये जो प्रॉब्लम बार बार आ रही है आपकी डिफेक्शन की, दैट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। नाउ नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ब्लडी थर्सडे, उसके अराउंड आपका पैसेज था।
ये आपको पता होगा कि लास्ट जो थर्सडे था वहां पे पेलेस्टाइन में देयर वर सम पेलेस्टीनियन जो कि कहीं कहीं बेचारे आजकल कैंप्स में रह रहे हैं, उनके घर पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं एंड दे आर लिटरली स्टार्विंग, दे आर लिटरली डाइंग ऑफ हंगर। तो वहां से इंटरनेशनल ग्राउंड पे काफी सारी हेल्प आती है, खाने के, कपड़ों के, मेडिसिन के ट्रक्स आते हैं वहां पे, उनको बेसिक एमिनिटीज फुलफिल करने के लिए चीजें दी जाती हैं। तो व्हेन दे सॉ अ ट्रक कमिंग टुवर्ड्स देम, दे एक्चुअली प्रेडिक्टेड कि वहां पे खाना आने वाला है एंड दे लिटरली रन रेन टुवर्ड्स द ट्रक। तो जो दूर कहीं वहां पे एक इजरायली ट्रूप था उनको थोड़ा सा व्हाट डू वी कॉल इट, थोड़ा सा खतरा, डेंजर, दे फेल्ट अ डेंजर इन इट कि वाई दीज पीपल आर रशिंग टूवर्ड्स देम, और उन्होंने क्या करा, इमीजिएटली शूट कर दिया वहां पे। तो वो जो इनोसेंट पीपल हु वर वेरी हैप्पी कि उनको खाना मिलने वाला है बिकॉज दे वर हंग्री, वो खाने के लिए जाते हैं बट दे वर शॉट डेड। ओके, तो ये पैसेज था। अब इन्होंने यहाँ पे ग्राउंड्स वेल कहा है, अ ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग अमंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, देर इज अ ग्राउंड्स वेल ऑफ ओपिनियन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ ओपिनियन अगेंस्ट न्यू रूल्स। तो वो ग्राउंड्स वेल हुआ बच्चा। 21 स्टेम्पीड, स्टेम्पीड क्या होता है, अ मास मूवमेंट, स्टेम्पीड। सो दीज इजराइली मिलिट्री पीपल दे नोटिस स्टेम्पीड, मास मूवमेंट, ऑल राइट, कॉमन इंपल्स, सब भाग रहे हैं खाने के ट्रक के लिए, ऑल राइट। सो दे वर शॉट डेड, मार ही दिया उन्होंने, और एक नहीं दो नहीं, उन्होंने मल्टीपल आई थिंक सम हंड्रेड्स लोगों को उन्होंने वहां पे मारा होगा, 100 एंड समथिंग कोई फिगर था जिसमें उनको मारा गया है। ओके, सो दैट इज स्टैम्पीड, सडन रश, ब्लडी थर्सडे, व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट टोन। तो यहां पर उन्होंने कहा है कि इसराइल क्यों क्या कर रहा है अभी, इसराइली यहाँ पे जिनोसाइड कर रहे हैं, कंप्लीट रेस को ये वाइप आउट कर रहे हैं, पेलेस्टीनियन को मतलब टारगेट बना दिया और उनको वो लिटरली रोज मार रहे हैं सारे इनोसेंट लोगों को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लोग इसराइल के अगेंस्ट आवाज नहीं उठा रहे हैं, उनको आवाज उठाना चाहिए, उसी के अराउंड पूरा पैसेज था। अब बताओ व्हाट कुड बी द करेक्ट टोन हियर। ओके, करेक्ट टोन इज कंडेमिंग, क्योंकि आप उन सारे उसको कंडेम कर रहे हो, मतलब आप ऑथर इज क्रिटिसाइजिंग सीवियरली कि ये जो इजराइल कर रहा है दैट्स रॉन्ग एंड पीपल शुड कम इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टाइन, दे शुड रेज कंसर्न्स अगेंस्ट इट। यहाँ पे जैसे कभी यूएन कुछ लेकर आता है ट्रीटी या कुछ एक साइन करने के लिए तो उसमें यूएस क्या करता है, पीछे से बैकआउट कर देता है, तो ये गलत हो रहा है। तो कंडेमिंग इज द अप्रोप्रिएट टोन, टर्जेट इज बॉम्बास्टिक, यहाँ पे ऐसी कोई फ्लॉवरी लैंग्वेज तो मुझे नहीं दिखी, तो बॉम्बास्टिक कांट बी द करेक्ट वन, डिप्रेसिंग भी नहीं होगा एंड सडन फीलिंग जो होती है उसको स्पॉइनेंट कहा जाता है बच्चा। तो यहाँ पे किसी भी तरह की ओवरवेलमिंग फीलिंग नहीं थी, बल्कि ऑथर इज क्रिटिसाइजिंग इजराइल फॉर जिनोसाइड एंड इसराइल इज क्रिटिसाइज, सॉरी, ऑथर इज क्रिटिसाइजिंग वर्ल्ड दैट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन इन फेवर ऑफ पेलेस्टाइन, देर आर सम कंट्रीज हु आर सपोर्टिंग इसराइल, देर आर सम कंट्रीज हु आर नॉट सपोर्टिंग बट कीपिंग साइलेंस, दे शुडंट डू इट, सो हाई टाइम दैट वी शुड एंड दिस वॉर, उसके अराउंड आपका पैसेज था। सो दैट इज कंडेमिंग बट नॉट द पॉइनेंट, पॉइनेंट होता है स्ट्राइकिंग सडन फीलिंग, ओवरवेलमिंग फीलिंग, फीलिंग ऑल राइट, नॉर्मली इट्स इन अ यूज इन अ नेगेटिव सेंस बट इट कैन बी यूज कॉलिकली इन अ पॉजिटिव सेंस टू। सो दैट्स ऑल फॉर टूडे स्टूडेंट्स, ग्रेशियास, आई होप यू एंजॉयड द सेशन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज डू राइट द कॉमेंट्स, डू लाइक द सेशन, दैट इज ऑल, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।